हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। तो अभी हम लोगों की एनवायरनमेंट की क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, और अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कवर किया है, और आज इस वीडियो में हम लोग पोल्यूशन के जितने और बचे हुए टाइप्स हैं, जैसे सॉइल पोल्यूशन है आपका, नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है, और जैसे आपका रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, और वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9620778189। ओके, और अधिक जानकारी चाहते हैं आप अगर मेरे क्रैश कोर्स के बारे में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स से रिलेटेड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे कोर्स के बारे में कि उस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? मृदा प्रदूषण। ओके, मतलब सॉइल क्या होती है, पहले आप ये समझो कि सॉइल क्या है, ठीक है। जो मृदा है वो हमारी एक थिन लेयर है ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट कवर द अर्थ रॉकी सरफेस, ठीक है। तो जब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो आपकी जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, सॉइल की, इसके नीचे रॉक्स होती हैं, है ना, उसके नीचे जो ये जो नीचे चट्टाने पाई जाती है तमाम सारी ना, तो उसके ऊपर की जो पतली लेयर होती है वो है सॉइल, है ना। इसमें आपके कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, पतली सी लेयर होती है। मतलब मृदा जो है जैविक तथा अजैविक पदार्थों से बनी पतली परत को कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो मृदा प्रदूषण होता है, जो सॉइल पोल्यूशन है, वो क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर सॉइल पोल्यूशन। ओके, तो मृदा अपरदन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मृदा अपरदन मतलब समझते हो ना, कि जो जैसे जो आपकी जो जमीन है इसके ऊपर जो पतली सी मिट्टी की जो लेयर है, जो उपजाऊ मिट्टी की लेयर होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी 3 से 4 सेंटीमीटर की जो एक लेयर होती है, यही होती है फर्टाइल। इसके नीचे का कुछ भी नहीं होता, इसी में सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो उसका अपरदन हो जाता है, या जो आपकी जो पूरी लेयर है, जो उपजाऊ लेयर है, वो बह जाती है, ठीक है, किसी भी कारण से वो वहां से हट जाती है। तो ये होती है मृदा अपरदन। मतलब मिट्टी की ऊपरी सतह जब बह जाती है या निकल जाती है तो उसे बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। जैसे ये जो ऊपर की लेयर है ना, ये पूरी की पूरी उपजाऊ लेयर है, नीचे की ऐसे ही बकवास वाली मिट्टी है, तो ये जो ऊपर की बह जाएगी ना पूरी मिट्टी, ये बह गई, आप समझ लो यहां से हट गई है, सिर्फ ये नीचे बची है। अब जो कि ये जो मिट्टी बची है ये कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है, तो इसी चीज को बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रीजन है सॉइल पोल्यूशन का, वो है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन क्यों होती है? जब वायुमंडल में SO2 या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बढ़ जाते हैं, तब ये पानी के साथ मिलके अम्ल बना लेते हैं। नाइट्रोजन के साथ जब पानी मिलता है H2O, तो वो बनाता है HNO3। तो ये एसिड वर्षा के साथ में नीचे गिरता है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड होती है तो वो पानी के साथ मिलकर H2SO4 बना लेता है, और ये पानी के साथ नीचे गिरता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। तो जब एसिड रेन होती है तो वो जब एसिड नीचे आता है और मिट्टी से के साथ मिल जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो मिट्टी की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देता है, तो इसे बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। इसके बाद आता है वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। मतलब जो वन काटे जाते हैं, पेड़ के कटने से क्या होता है, आपका मृदा अपरदन बढ़ जाता है। तो वनोन्मूलन भी एक बहुत बड़ा रीजन है सॉइल पोल्यूशन का, है ना। अब क्या होता है, जब पेड़ होता है ना, तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं बहुत दूर दूर तक फैली होती है अंदर, तो ये मिट्टी को बांध के रखती है अपने साथ। मतलब अगर जैसे खाली मैदान है, ठीक है, तो वहां की जो मिट्टी होगी ना, तो जब बारिश होगी तो पानी बहेगा, तो ये मिट्टी इसके साथ बह जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे पेड़ लगे होंगे ना, तो ये पेड़ जो है आसपास अपने इनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो पानी बह जाएगा पर मिट्टी वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर वन होंगे, जंगल होंगे, पेड़ होंगे, तो मिट्टी नहीं बहेगी, पर अगर वनोन्मूलन हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, पेड़ सारे कट जाएंगे, तो फिर ये मिट्टी बह जाएगी, और जो ऊपरी जो लेयर है सॉइल की, है ना, वो पूरी बह जाएगी और मृदा अपरदन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो झूम कृषि है, स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके बारे में बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो झूम कृषि की वजह से भी मृदा अपरदन होता है, और इससे जो है मृदा पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज्यादा
बड़ा एक फैक्टर है सॉइल के पोल्यूशन के लिए, है ना। क्या होता है कि जब आपके जो खेत होता है ना, तो उसका स्प्रे करते हो कीटनाशक, है। तो ये जो कीटनाशक हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जमीन पे गिरते हैं और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, और फिर ये जो है मिट्टी की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति को खराब करते हैं। तो उर्वरा शक्ति का खराब हो जाना इज कंसीडर एज सॉइल पोल्यूशन, है ना। वही तो है, अगर उर्वरा शक्ति खो जाती है किसी मिट्टी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मिट्टी पोल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा रेडियोधर्मी कचरा, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, वो भी मिट्टी के साथ मिल जाता है और मिट्टी की क्वालिटी को खराब कर देता है। तो रेडियोधर्मी कचरा कैसे आता है, जो तमाम सारे जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो उन सब चीजों से जो कुछ चीजें निकलती है ना, स्क्रैप निकलता है, वो सब कहीं ना कहीं उसको डंप किया जाता है, तो वहां की जो मिट्टी होती है उसको खराब कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गए रीजंस, है ना। इफेक्ट देखो, मृदा की उर्वरा शक्ति का नाश, है ना भैया। जब सॉइल पोल्यूशन होगा तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी, है ना। और मृदा में लवणता की वृद्धि हो जाती है, सैलिनिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो जो मिट्टी होती है वो सैलाइन हो जाती है ना, बहुत उसमें लवण ज्यादा आ जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी अपना उपजाऊपन जो होता है, उर्वरा शक्ति होती है, वो खो देती है, ठीक है। इसके अलावा भूमिगत जल है वो प्रदूषित हो जाता है भाई। जब मिट्टी में जो आप तमाम सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, तो वो लीचिंग के द्वारा, लीचिंग जानते हो ना, जिसमें जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, है ना। तो जब ऐसे तमाम सारे इसमें क्या बोलते हैं, ये जैसे आपने कीटनाशक डाले यहाँ पे, तो मिट्टी में वो सारे केमिकल मिल गए। अब जब बारिश वारिश होगी, जो पानी नीचे रिसके जाएगा, तो उनके साथ साथ केमिकल्स भी नीचे चले जाएंगे, और जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बायो मैग्निफिकेशन होगा। बायो मैग्निफिकेशन में आपको बता चुका हूं, जब मैं आपको फूड सिस्टम बता रहा था, जब मैंने चेन और जो आपका फूड वेब था ये सब बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि बायो मैग्निफिकेशन, उसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको कई सारे लेवल्स बताए थे, ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर जो बताए थे, तो सबसे नीचे उत्पादक हुआ करते थे, है ना। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे श्री चलती थी। तो उसमें मैंने बताया था कि जब नीचे से अगर कोई इसमें आ जाता है, आपका सपोज डीडीटी इसमें मिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो घास थी ना, घास फूस जो पेड़ पौधे थे, इनमें आपने कीटनाशक डाले, तो ये इसमें मिक्स हो गए। अब जो है ये जो कीटनाशक है, ये जो प्रदूषित तत्व है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई इस इन पेड़ पौधों को खाएगा, तो मान लो कोई जानवर से, मतलब समझ लो बकरी है, उसने ये घास खा ली, तो ये जो डीडीटी है वो उस बकरी के अंदर चली जाएगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन, जो ऐसे प्रदूषित तत्व तो होते हैं, जब ऐसे श्रृंखला के अंदर एंट्री करते हैं, तो हर एक स्तर पे वो अपने से 10 गुना हो जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे डीडीटी जो था वो 1 ग्राम था, तो जब बकरी के अंदर अगर वो डीडीटी देखा जाएगा, तो वो 10 ग्राम हो जाएगा, है ना। और इसके ऊपर मान लो बकरी को कोई लायन खा ले, कोई शेर खा जाए इसको, ठीक है। तो अब जब शेर के अंदर डीडीटी देखा जाएगा, तो वो 100 ग्राम होगा। तो इसी मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप पोषण स्तर में ऊपर बढ़ते जाओगे, तो जो प्रदूषित तत्व तो है ना, जो श्रृंखला में उत्पादक से जिसकी एंट्री हुई थी, और ऊपर ही ऊपर स्तर पर जाते जाते वो बढ़ता चला जाएगा, मैग्निफाई होता चला जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो जब सॉइल पोल्यूशन होगा, तो उसके इफेक्ट में बायो मैग्निफिकेशन भी होगा, ठीक है। और वनस्पति का कम हो जाना, फ्लोरा फौना, इस पे इफेक्ट आएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, है ना। भाई मिट्टी खराब होगी तो वनस्पति ठीक से नहीं होगी, वनस्पति ठीक से नहीं होगी तो उस वनस्पति को खाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भोजन नहीं मिलेगा। इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम है ना, जो इकोलॉजी है हमारी, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जीव जंतु भी मरने लग जाएंगे, वनस्पति कम हो जाएगी, तो इस तरीके से पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट है सॉइल पोल्यूशन, है ना। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स, क्या करो भाई आप, जो उर्वरक हैं और जो कीटनाशक हैं, इनके प्रयोग में कमी, जो अंधाधुंध जो यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स का, है ना, पेस्टिसाइड्स का, उसको कम करना चाहिए। जितना मतलब रिक्वायरमेंट हो, कम से कम उतने ही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए, ठीक है। और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि बायो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाएं या बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएं, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स जैसे मतलब जो गाय वाय जानवरों का जो गोबर होता है ना, उसको सड़ा के जो खाद बनाई जाती है, तो वो बायो फर्टिलाइजर्स है, ऐसी चीजें यूज की जाए। उससे क्या होगा, उससे जो है सॉइल पोल्यूटेड नहीं होगी, है ना। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो करी जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, पेस्टिसाइड्स हैं, ये वगैरह यूज नहीं किए जाते,
ठीक है, वनीकरण किया जाए, है ना, खूब सारे पेड़ पौधे लगाए जाए, वनों का जो एरिया है वो बढ़ाया जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा, फिर मृदा उपरदन रुक जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जब मृदा उपरदन रुक जाएगा तो सॉइल की कंडीशन भी इंप्रूव हो जाएगी। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट यूज किया जाए, आप देखो जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं, है ना, आप कभी भी किसी भी बड़े सिटीज में एंटर करोगे तो आपका स्वागत क्या करेगा, बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं सड़क के दोनों तरफ, और आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ती है, सांसें रोकनी पड़ती हैं, तो वो सॉलिड जो वेस्ट है वो शहर का कचरा है, पूरे शहर का कचरा है, उसको ऐसे फेंक दिया जाता है। अब जब वो कचरा वहां पे फेंक दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उस पर सपोज उस पर पानी गिरता है, बारिश होती है, तो वो जो फिर जो बारिश का पानी इस कचरे से मिलता है और बह के आसपास के एरिया में बहता है, तो वो क्या करता है, उस पूरे एरिया की मिट्टी को प्रदूषित कर देता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सॉलिड जो वेस्ट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो शहरों का कचरा है, उसको ऐसे खुला ना फेंका जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, समझ रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सॉइल पोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आपने समझ लिया सॉइल पोल्यूशन क्या है, इसके रीजंस क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको समझ के बढ़िया से पढ़ के करना। नेक्स्ट जो है टाइप है वो है नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, जो शोर होता है, ठीक है, मतलब ऐसी ध्वनि हो जो आपको परेशान करे, है ना, इरिटेट कर दे, इरिटेशन पैदा करे आपको, है ना, या शारीरिक रूप से दर्दनाक हो, मतलब इतनी ज्यादा तेज हो कि आपके कानों में दर्द शुरू हो जाए, तो इस चीज को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, है ना, मतलब कोई भी ऐसी ध्वनि जो आपको परेशान कर रही है तो वो है एक टाइप का ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। जैसे कि रोड का ट्रैफिक, आप कहीं फंस जाओ ट्रैफिक जाम में, देखो फिर कितना शोर होता है, वो रोड का ट्रैफिक है, जेट प्लेन्स है, इनके जो साउंड होते हैं बहुत तेज होते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, है ना, अब देखो जो वो आपके जेसीबी वगैरह होते हैं, जो क्रॉलर वाले होते हैं, जिसमें पहिए नहीं होते, जो क्रॉल करते हैं, वो जब चलते हैं तो कितना शोर होता है ना, तो ये आपके आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, तमाम सारी जो मशीन चलती हैं, ड्रिलिंग होती है, टर्निंग ऑपरेशंस होते हैं जिसमें लोहा काट के निकाला जाता है, कितना शोर होता है ना, हाई लेवल ऑफ नॉइज होता है उनमें, ठीक है। तो ये सारे एक यू नो एग्जाम्पल है नॉइस पोल्यूशन के, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि को मापने की इकाई है डेसीबल, ठीक है, तो डेसीबल में ध्वनि को नापा जाता है, और 10 डेसिबल की वृद्धि का मतलब करीब ध्वनि की तीव्रता का 2 गुना हो जाना होता है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, बस सपोज करो जैसे कोई साउंड है तो उसकी तीव्रता 30 डेसिबल है, ठीक है, और एक ये साउंड है और एक दूसरी साउंड है वो है 40 डेसिबल, तो आप ये समझ लो अंतर यहां पर सिर्फ 10 डेसिबल का है, पर जितनी तीव्रता इस साउंड की होगी ना उस और तो वो जो है तो 40 डेसिबल वाली जो साउंड होगी वो इससे दोगुनी तीव्र होगी, समझ रहे हो ना, मतलब जो तीव्रता होगी इस 40 डेसिबल वाले की वो 30 डेसिबल वाले की तीव्रता से 2 गुनी होगी, ये होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक और हर्ड्स होती है यूनिट ध्वनि की, साउंड की, ठीक है, तो ये भी याद रखना, साउंड की एक यूनिट होती है हर्ड्स, ठीक है। अब क्या है कि जैसे एक व्यक्ति अगर लंबी अवधि तक 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि तीव्रता स्तर में रहता है तो उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, ठीक है, अगर 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता जो है ध्वनि तीव्रता में रहे काफी लंबे समय तक तो उसकी सुनने की शक्ति पर असर पड़ सकता है, ठीक है। जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार घर के अंदर ध्वनि की तीव्रता 30 डेसिबल से कम रहनी चाहिए, ठीक है, अगर घर के अंदर 30 डेसिबल से अधिक शोर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इफेक्ट्स क्या होते हैं, चिड़चिड़ापन, ऐसे लोग जो लगातार ध्वनि प्रदूषण के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है ना, उनको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, नींद आनी बंद हो जाती है, और ये सब जब चीजें होती हैं, आप चिड़चिड़ रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप सुन नहीं पाओगे ठीक से, और आपका व्यवहार खराब होगा, तो उससे फाइनली क्या होगा, स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, आपका जो पूरे बॉडी का सिस्टम है वो ही खराब हो जाएगा, ठीक है, आपका पूरा यू नो हेल्थ ही खराब हो जाएगी। तो ऐसे लगता है कि भैया नॉइज पोल्यूशन कौन सी बड़ी कोई ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप देखो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है, नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट और भी बड़ा होता है ना, बस वो ये है कि वो डायरेक्ट दिखता नहीं है,
ना। फाइनली क्या होगा, अगर आप नॉइज पोल्यूशन के अंदर कॉन्टिन्यूस टाइम तक रहते हो इस फेज में, तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ डिट्रॉयड हो जाती है, हेल्थ खराब होगी ही होगी, है ना। आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका व्यवहार पूरा खराब हो जाएगा, आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, आप लड़ाई झगड़ा करोगे लोगों से। तो ये सारी चीजें होती हैं, नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। ओके, अब कंट्रोल मेजर्स क्या है? कंट्रोल मेजर्स आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जो भी चीजें हैं जिनमें बहुत शोर होता है वो यूज ना की जाए। आप जो लोग पूरे टाइम ईयर पीस लगा रहते हैं कान के अंदर, है ना, उसे भी आपको पता नहीं चलता, आप तो बड़े तेज वॉल्यूम में आप गाने सुन रहे होते हो, पर वो भी एक टाइप का आपका साउंड पोल्यूशन है, वो ना किया जाए, है ना। ऐसे स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे मीडियम हो कि ट्रैफिक जाम ना हो, जिससे तमाम सारा जो हॉर्न वॉर्न बजता है वो ना हो, है ना। जैसे म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, तो वो एक एक उसके लिए टाइम लिमिट है। जैसे कई सीरीज में देखो 10 बजे बाद, 11 बजे के बाद किसी भी पार्टी में डीजे वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। तो वो सब क्या है, वो कंट्रोल मेजर्स हैं। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, ये आपको पता ही है कि आप सिंपली आप कोई भी ऑप्शन समझ पढ़ के समझ जाओगे कि क्या है। बट दो अलग पॉइंट्स हैं जो थोड़े से अलग हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, इसलिए मैंने इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है। ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, पेड़ों को लगाना चाहिए, ठीक है। तो जो पेड़ होते हैं ना, ये जो साउंड वेव्स होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको सोख लेते हैं, तो ये ध्वनि जो होती है वो बहुत दूर तक जाती नहीं है। तो जैसे आप देखो ना, जो हाईवे होते हैं ना, तो हाईवे के बीच में तमाम बड़े बड़े पेड़ लगे रहते हैं, जो डिवाइडर होता है, साइड में भी पेड़ लगाए जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो हाईवे में जो गाड़ियां चलती हैं, तो उसके साउंड जो है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको दबाया जाए। तो ये होता है ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करेंगे तो साउंड पे जो है थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। और डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनकी डिजाइन भी कुछ इस तरह से बनाई जा सकती हैं कि जिसमें जो है जो आपका साउंड है वो दबे, मतलब इको ना हो। मतलब कई कई ऐसी जगह होती है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप जहां पे धीमे बोलो पर आवाज बहुत गूंजती है, ठीक है। उसी के अपोजिट ऐसी भी बिल्डिंग्स हो सकती हैं जहां पे आप बोलो तो आपकी आवाज दबे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है बिल्डिंग्स को डिजाइन करना चाहिए। दो अलग पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने लिए, बाकी आपको खुद ही पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो पोल्यूशन का टाइप है वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। देखो यार ये क्या है, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, इनको बोलेंगे हिंदी में रेडियो धर्मी पदार्थ, है ना। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे आपके अल्फा बीटा गामा ये जो पार्टिकल्स होते हैं निकलते रहते हैं अपने आप, ठीक है। तो ऐसे तत्वों को बोलते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आप समझते हो ना, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कि किसी भी एलिमेंट से, ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन, मतलब आपका जो अल्फा पार्टिकल वो प्रोटॉन हो गया है ना, आपका इलेक्ट्रॉन उसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं, और गामा रेज ये निकलती रहती है अपने आप, ठीक है। तो इसी इसी प्रकृति को, इसी नेचर को, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी आप समझते ही हो। अब ये देखो, जो अल्फा बीटा और गामा ये जो कण हैं, तो को इनमें क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, पर एक इंपॉर्टेंट वाली आप समझ लो, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, कि जो अल्फा कण है ना, अल्फा कण मतलब प्रोटॉन, ये जो है ये एक पेपर के पीस के द्वारा भी ब्लॉक किए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी एलिमेंट से ऐसे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, यहाँ पे पेपर लगा दोगे ना तो ये रुक जाएगी। मतलब एक सिर्फ सिंपल कागज का पेपर सामने रख दोगे तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकती। या ह्यूमन स्किन है, आप ह्यूमन आप यहाँ आपका हाथ यहाँ आ गया तो ये अल्फा पार्टिकल आपके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। तो ये तो है आपका अल्फा कण। इसके अंदर बीटा कण, बीटा कण क्या है, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू स्किन, ठीक है। तो ये जो है स्किन के अंदर घुस सकता है, ठीक है। इट कैन पेनिट्रेट, यहां का मिस हो गया, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू स्किन बट इट कैन बी ब्लॉक बाई सम पीस ऑफ ग्लास एंड मेटल, ठीक है। मतलब अल्फा पार्टिकल बहुत वीक था, बीटा उससे स्ट्रांग है, ये आदमी की स्किन के अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन अगर कोई कांच का एक टुकड़ा लगा दिया जाए उसके रास्ते में, या कोई मेटल का लोहे का कोई टुकड़ा प्लेट लगा दी जाए, तो वो उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, बीटा को। पर गामा रेज जो होती है, जो गामा किरण है, वो बड़ी स्ट्रांग होती है, वो पेनिट्रेट कर लेती है बहुत अंदर तक। दे कैन पेनिट्रेट इजिली ह्यूमन स्किन एंड डैमेज सेल्स, ये बहुत अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं ह्यूमन स्किन के अंदर, और जो तमाम सारी सेल्स हैं बॉडी में उसको डैमेज कर देती है। तो गामा किरणें हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, ठीक है। इट कैन बी ब्लॉक्ड बाय अ वेरी थिक स्ट्रांग एंड मैसिव पीस ऑफ कंक्रीट, मतलब आपको
कहीं से भी अगर किसी एलिमेंट से गामा किरणें निकल रही हैं और आप चाहो कि ये आपको असर ना करें, तो इनको रोकने के लिए आपको बहुत मोटी कंक्रीट की एक दीवार बनानी पड़ेगी, तभी आप इनको रोक सकते हो। हल्की हल्की को तो ये क्रॉस करके निकल जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं तीनों की, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब देखो जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है उसके सोर्स क्या है। ठीक है, देखो यार दो तरीके के आप सोर्स देख सकते हो। एक तो आपका नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक जो रीजंस है ना, ये प्रकृति के रीजंस हैं, ये आप ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो जैसे जो हमारा स्पेस है, ठीक है, स्पेस से कॉस्मिक रेज आती हैं, कॉस्मिक किरणें आती हैं, ठीक है, तो वो आएंगी ही आएंगी, है ना। तो ये आपके बॉडी के ऊपर रेडियो एक्टिव इफेक्ट्स डालते हैं, है ना। ऐसे ही आपके जो पृथ्वी में जो मौजूद तत्व हैं, जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 238, है ना, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14, ये सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं और ये हमारी पृथ्वी पर नेचुरली पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यार ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो नेचुरली पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप इनके संपर्क में आएंगे तो आपके ऊपर रेडियो एक्टिव इफेक्ट आएंगे। ठीक है, आपकी जो बॉडी सेल्स होंगी वो प्रभावित होंगी। ठीक है, इसके अलावा मैन मेड रीजंस हैं जो मानव के द्वारा खुद बनाए गए हैं, ये रीजन आप समझ लीजिए। जैसे आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ठीक है, तो इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है ना, न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है, जैसे यूरेनियम 235, है ना, थोरियम यूज किया जाता है। तो ये सब जो है एक बहुत मोटा सा चैम्बर होता है, उसके अंदर इनको रॉड के फॉर्म में रख दिया जाता है और ये बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर आसपास का जो पानी होता है वो बॉयल होता है ना। ये मैंने आपको बताया था, बॉयलर का पूरा मैकेनिज्म समझाया है ना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, वे सिंपल सा चैम्बर होता है, उस चैम्बर के आसपास पानी बह रहा होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है जिससे पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। मेन पर्पज वही होता है, आपका जो कोल प्लांट होते हैं उनमें कोयले को जला दिया जाता है भट्टी के अंदर, जिससे कि आसपास के जो पाइप्स में पानी भरा होता है वो स्टीम में बदल जाता है। न्यूक्लियर पावर में क्या, पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल का यूज किया जाता है इस पानी को आपके स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र में ये सब चीजें यूज की जाती हैं। तो बहुत सारे सुरक्षा के बचाव किए जाते हैं, लेकिन फिर भी रेडिएशन तो होता है, वो फैलता है ना, तो इससे रेडिएशन फैलता है। इसके बाद जब ये सेल्स जो हैं या ये जो फ्यूल की रॉड हैं, जब ये कंज्यूम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो इनको कहीं एक जगह पे गड्ढा खोद के उसको वहां पे दबाया जाता है ना, स्क्रैप किया जाता है वेस्ट को, पर फिर भी वो जमीन के जो दबा रहता है, इसके बावजूद उसके रेडिएशन आसपास के एरियाज को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैन मेड हो गया, जैसे नाभिकीय शस्त्र है, जो न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स होते हैं है ना, उनका एक्सप्लोजन होता है तो उससे कितना रेडिएशन फैलता है, बहुत दूर दूर तक, हवा के माध्यम से वो पूरा रेडिएशन बहुत दूर तक फैल जाता है ना। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं तमाम सारे, जो परमाणु परीक्षण करते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, परमाणु विस्फोट होता है, वो पूरा रेडिएशन आसपास के एरियाज में फैलता है। ठीक है, ऐसे जो न्यूक्लियर वेस्ट है ना, न्यूक्लियर वेस्ट मैंने बताया आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे आपका जो आपकी यूरेनियम की माइनिंग होती है ना भाई, खनन के माध्यम से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है ना, और यूरेनियम क्या है, रेडियोएक्टिव तत्व तो है, तो उससे रेडिएशन फैलता है। ऐसी रेडिएशन थेरेपी है, बहुत सारी जो आपके हॉस्पिटल्स में बहुत सारी मशीन्स यूज की जाती हैं जिनमें रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग किया जाता है बहुत सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए। जैसे आपका एक्सरे है, ठीक है, तो उसमें एक्सरे वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, वो एक्सरे निकालती है, उसको एक्सरे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन थेरेपी के लिए तमाम सारा मेटल यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव, तो वो सब क्या करता है, वो हमारी सेल्स को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैन मेड रीजंस हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं। अब आप देखेंगे अपन लोग ई वेस्ट। अब देखो इसमें आप कंट्रोल मेजर्स की बात करो तो बस वही है, इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल कर लो तो आपके वो कंट्रोल मेजर्स हो गए, है कि नहीं भाई। आपके जो नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे जो सेफ्टी फीचर्स हो उनको बहुत अच्छे से अप्लाई किया जाए, है ना, आपके जो न्यूक्लियर जो विस्फोट कराए जाते हैं वो ना किए जाएं, है ना, न्यूक्लियर वेस्ट है उसको बहुत ही अच्छे से दफनाया जाए, बहुत गहराई में जाके, डीप में जाके उसको दबाया जाए जिससे उसके रेडिएशन एरियाज तक ना फैले। बस यही सब इसके कंट्रोल मेजर्स हो गए, है ना, बचाव के तरीके। इसके बाद देखेंगे ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है,